दोस्तों मिलिए ऑस्ट्रेलिया की पहली ऐसी महिला से जिसने एक साथ 5 बच्चों को जन्म दिया। किम तूसी 26 साल की एक महिला है जिसने साल 2016 को 2 मिनट के अंतराल में 4 लड़की और एक लड़के को जन्म दिया। और दोस्तों आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि ऐसा 5 करोड़ में से किसी एक महिला के साथ होता है। वैसे किम पहले से 3 बच्चों की माँ थी, मगर इस प्रेगनेंसी के बाद इनका परिवार बढ़कर 10 लोगों का हो गया है। वैसे आप जानकर चौंक जाएंगे, मगर टीनेज में ही किम 3 बच्चों की माँ बन गई थी। और अब अपने बच्चों की परवरिश के लिए इन्हें काफी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि 8 बच्चों को एक साथ संभाल पाना किसी के भी लिए काफी कठिन है। दोस्तों 51 साल की दादी ने अपने पोते को जन्म दिया, ये सुनकर आपके कान खड़े हो गए होंगे। दरअसल ब्रियानी लॉकवीड ने कई बार मां बनने की कोशिश की, मगर हर बार अलग अलग कारणों की वजह से वो मां नहीं बन सकी। मगर तभी इनकी कहानी में एक मोड़ आता है, जब ब्रियानी की मां जूली अपनी बेटी की खुशी के लिए सैरोगेट मदर बनने को तैयार हो जाती है। दरअसल सैरोगेट मदर उन्हें कहा जाता है जो 9 महीने तक किसी और के बच्चे को अपनी कोख में पालती है। यानी ब्रियानी की मां ने 9 महीने की प्रेगनेंसी के बाद अपने ही पोते को जन्म दिया। और ब्रियानी ने अपनी यह कहानी अपने फॉलोअर्स के साथ इंस्टाग्राम पर साझा भी की। दोस्तों अब आप भारत की रहने वाली ईरामती मंगायम्मा से मिलिए, जिन्होंने 74 साल की उम्र में जुड़वा बच्चों को जन्म देकर इतिहास रच दिया है। दोस्तों वैसे 74 साल की उम्र में किसी महिला के लिए नेचुरली किसी बच्चे को जन्म दे पाना नामुमकिन है, इसीलिए IVF तकनीक की सहायता से डॉक्टर ने ईरामती को प्रेग्नेंट किया, जिसमें उनके पति के स्पर्म का इस्तेमाल किया गया था। और ऐसा पहली बार था जब 74 साल की उम्र में किसी महिला ने बच्चे को जन्म दिया हो, जो कि अपने आप में एक विश्व खिताब है। दोस्तों इनसे मिलिए, ये है कोलंबियन ट्रांसजेंडर मॉडल डैना सुल्ताना। जान लीजिए कि डैना का जन्म एक लड़के के रूप में हुआ था, मगर 8 साल की उम्र में शारीरिक बदलावों के बाद पता चला कि डैना ट्रांसजेंडर है। और ऐसा ही एस्तेबान के साथ हुआ, जो जन्म के समय तो एक लड़की था, मगर बाद में पता चला कि वो लड़का है। दोस्तों डैना और एस्तेबान को आप इस फोटो में उनके बच्चे के साथ देख सकते हैं। दरअसल एस्तेबान नेचुरली अपनी वाइफ के साथ प्रेग्नेंट हो गया, और हॉस्पिटल जाने के बाद मालूम हुआ कि उसकी कोख में एक बच्चा पनप रहा है। और 9 महीने की प्रेगनेंसी के बाद आखिरकार एस्तेबान ने बच्चे को जन्म दिया, जिसे आप इस वीडियो में देख सकते हैं। दोस्तों निकोल, एरिका और जैकलिन, ये तीनों लड़कियां डैम ट्रिपलेट के नाम से मशहूर है, और इनका जन्म 12 दिसंबर साल 1977 को मिनेसोटा में हुआ था। दोस्तों इन तीनों बहनों की शक्लें एक दूसरे से इतना ज्यादा मेल खाती है कि कोई भी इनके बीच अंतर नहीं बता सकता, इसीलिए ये तीनों एक दूसरे के मोबाइल का लॉक भी आसानी से खोल लेती हैं। और अपनी इसी खासियत की वजह से ये कई टीवी शो और मूवीज में भी देखी जा चुकी हैं। साथ ही लाखों लोग इन्हें इनके सोशल मीडिया अकाउंट पर फॉलो भी करते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट करना, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसी ही और वीडियोस पाने के लिए। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए अमेजिंग टॉप 5 चैनल को।